हेलो एंड वेलकम टू फूड तक. मैं साना सरगुरु. आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक. ये बहुत ही रिच एंड डेंस चॉकलेट केक है जिसकी हम आइसिंग करने वाले हैं चॉकलेट गनाश के साथ. इसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. तो आइए बनाते हैं हमारा चॉकलेट केक. सबसे पहले हम लेंगे बटर. ये रूम टेम्परेचर पर सॉफ्ट किया हुआ बटर है, इसे हमें मेल्ट नहीं करना है. उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ब्राउन शुगर और फिर हम इन दोनों को विस्क करेंगे जब तक ये लाइट एंड फ्लफी ना हो जाए. अब हम इसमें ऐड करेंगे एग्स और फिर इन्हें भी लाइट एंड फ्लफी होने तक हमें इनको बीट करना है. अब हम अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे. सबसे पहले हम लेंगे मैदा, उसके बाद हम लेंगे बेकिंग पाउडर और फिर हम लेंगे कोको पाउडर. अब हम इन सब चीज़ों को स्पैचुला से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे. हमें अब बीटर यूज़ नहीं करना. अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क अब हमारा बैटर रेडी है. अब हम इसको पोर करेंगे हमारे टिन में. इस बैटर को हम स्प्रेड करेंगे. अब हम इस बैटर को बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन पे. टेम्परेचर हमें 175 डिग्रीज देना है फॉर 20 मिनट्स. अब हम बनाएंगे चॉकलेट आइसिंग जिसे हम गनाश भी कहते हैं. उसके लिए हमारे पास दो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है. पहला है हमारे पास चॉकलेट कंपाउंड जिसको हमने बहुत ही छोटे छोटे चंक्स में कट करा है और दूसरा है हमारे पास कुकिंग क्रीम. तो हम सबसे पहले कुकिंग क्रीम को हीट अप करेंगे. अब हम अपनी चॉकलेट के जो चंक्स है उन्हें मेल्ट करेंगे. इन्हें हम 30-30 सेकेंड्स के इंटरवल पे मेल्ट करेंगे क्योंकि अगर हम सीधा 2 मिनट्स के लिए इसको मेल्ट करते हैं तो हमारी चॉकलेट जल जाती है. तो हम इसको पहले मेल्ट करते हैं 30 सेकेंड्स के लिए. अब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है और हमारी जो क्रीम है वो भी काफ़ी हीट हो चुकी है. अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे. अब हमारी गनाश रेडी है और हम इस गनाश को स्प्रेड करेंगे. हमने इस केक पे चॉकलेट गनाश की आइसिंग कर ली है और अब इस केक पे थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हम इस पे क्रश्ड ओरियोज डेकोरेट करेंगे. इस पे ओरियो ऐड करने से एक क्रंची फ्लेवर भी आ जाएगा. अभी केक रेडी है. इसको देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है. अब आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करें और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.